ऑडियंस अ वेरी वार्म वेलकम आपके अपने शो स्वैगी स्टार्स पर, जहां पर हम करते हैं आप ही के कुछ फेवरेट स्टार से स्वैग और चिल भरी बातें और दिखाते हैं आपको उनकी एक अलग ही साइड। तो चलिए करते हैं शुरुआत तो मेरे यानी कल्याणी वधेरा के साथ। तो आज जिस गबरू से हम मिलने जा रहे हैं, उनके जितने कैंट गाने हैं उनकी उतनी ही कैंट लुक्स भी हैं। जी मैं बात कर रही हूँ उपकार संधू की। खूनी तो पूरी गल बात नी सभा साडी जट जात नी पट्टी होवे कुट किते कली मिले तू फिर वेखी तू नजारा लगी दा ते टुटी दा जट होना चो होना चो मैं नौकरी जी नू सिरा दे जट होना चो। हेलो सर, वेलकम टू द शो। सत श्री अकाल जी, स्वैगी स्टार्स देखदे सारे व्यूअर्स नू मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। कैसा लग रहा है शो पर आके? बढ़िया मैम, बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं आपके लेटेस्ट सॉन्ग के बारे में जो 2 महीने पहले ही रिलीज हुआ है, लगी होवे कुट। उसको मिल चुके हैं 3 मिलियन व्यूज। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कैसा लग रहा है ये, मतलब इतने सारे, मतलब 2 महीने के अंदर ये व्यूज पाकर और इतना प्यार पाकर? बढ़िया मैडम, ते मेन बढ़िया ता लग रहा है कि ये ऑर्गेनिक ने। हां बिल्कुल, मेन तसल्ली है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे हुक लाइन ही है, ठीक है, लगी होवे कुट, तो ऐसा कभी है कि उपकार रियल के अंदर भी कुट लगा ही लेते हैं कभी कभी? नहीं मैडम, मैं पीती नहीं कभी। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ? इतना नहीं कि मैं है ना टेलीविजन पे, सो ऐसी कोई गल नहीं, मैं कभी पीती नहीं। अच्छा, बाकी नहीं पीती। अच्छा, इसके अंदर आपका भंगड़ा भी देखने के लिए मिला, बहुत ही ज्यादा अच्छा भंगड़ा। इस भंगड़े के पीछे क्या राज है? इसकी भी क्लासेस ली थी? क्लासेस मैडम शूट तो एक दिन पहला रिहर्सल की थी, 1.5 घंटा। अच्छा, बाकी स्कूल टाइम करते रहे हैं थोड़ा या। इस हिसाब से तो मतलब आप डॉक्टरी भी कर लोगे ना बहुत आसान से। सब कुछ ही कर लेंगे। अच्छा, जो इसके लिरिसिस्ट हैं वो कौन है? लिरिसिस्ट है मैं मीथुंदल। मीथुंदल जी, मीथुंदल। और गाना कैसे चूज किया, क्या सोचकर? गाना मैडम इदा के जिमें दारू ते गाना है ना, तो कई प्रॉब्लम भी हो सकती है दारू लगाने तो। हाँ, कुछ नहीं, ये तो एक एंटरटेनमेंट लिया, लोग ज़्यादा सुन रहे थे दारू वाले गाने है ना। सो एक मेरे कुदरती मेरे नाल दे साथी ने ठेका लिया शराब का, वह कहता यार भी कोई दारू ते गाना कर। वैष्णो सी पीण दा तू आदि कर गई, साडे ता नजारे बन गए ज्यो जवाकां नू नजारा अद्धी छुट्टी दा, हो साडी लगी होवे कुट किते कली मिले तू फिर वेखी तू नजारा लगी दा ते टुटी दा। क्या बात है। अच्छा, अगर आपके सिंगिंग करियर की हम बात करें तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्या स्टडीज भी म्यूजिक में ही थी इसीलिए सिंगिंग लाइन में आए? नहीं जी, मैं स्टडी तो +2 तक मैं नॉन मेडिकल की थी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं कॉमर्स की थी है जी। अच्छा। BBA की थी है मैं। ते कदे स्कूल टाइम च भी नहीं गाया सी। हाँ। ना कदे कॉलेज च गाया सी। अच्छा, बस मैनू आप नहीं पता लगा कि मैं बाबा करी। ये कुदरत का खेल है कि आपको इतनी अच्छी आवाज बख्शी गई है और आप उसे आगे लेकर आए हैं। ए मैं छोटे होंदे गाउंदा हुंदा सीगा। अच्छा, तां मैनू लगदा भी जिवें नाल ना कार दे विच ना ना गाई जाणा जां कदे घरे गाई जाणा। हाँ। पर पब्लिकली लोकां अगे मैं कदे नहीं गाया सीगा, शायद ओ तो ही मन च सीगा कीड़ा बनना सिंगर। तो जो आपका पहला गाना रहा वो रहा शौकी सरदार। ए मेरा दूजा सीगा जी। पहला गाना? पहला मेरा सीगा ऑब्सेशन। अच्छा, पहला गाना ऑब्सेशन सैड गाना सी। हां हां हां, उसकी वीडियो या ओ ऐसा लाइट ला सिल्वर पन्नी ओ सीगा मेरा सैड सीगा ओ। अच्छा। हां जी हां जी। अच्छा, मतलब जो फेम मिला वो शौकी सरदार से मिला ये कह सकते हैं? हां जी, फेम ज्यादा उतों नु क्योंकि पहले गाने ते ना बंदा ज्यादा नोन फेस नहीं हुंदा, पता नहीं हुंदा ना कौन है। ते पर जिहड़ा मेरा पहले गाने सुनने सपोर्ट पूरी की थी। हाँ। एक शौकी सरदार नु एक हिट करन लई। अच्छा, सो आपां मैं चाहूंगा भी ओदे सिर ते शौकी सरदार हिट होया।
अच्छा ये बात है, तो चलो पहले पहले गाने की बात कर लेते हैं, ऑब्सेशन की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना? ठीक है। तो वो गाना किस हिसाब से सिलेक्ट किया और कैसे लगा कि ये गाना ऐसा गाना होना चाहिए जो फर्स्ट सॉन्ग रहे, क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग अगर आप सैड लेकर आ रहे हो तो रहता है थोड़ा सा मन में कि पहला सॉन्ग रहता है कि थोड़ा ऐसा हो जो थोड़ा कमर्शियल हो, तो ये गाना कैसे चूज किया आपने? इदा सी मैं शौकी सा, मेरी पूरी एल्बम सी, एल्बम दे विच मैं लास्ट दे विच ओ गाना सिलेक्ट कीता सीगा ऑब्सेशन। सो कुदरती मेरा एक मेरा फ्रेंड ही है, असी इकट्ठे पढ़े हैं छोटे होंदे तों, ते चेतन चहल उन्हें लिखा सी गाना वो, मैं कहा यार भी आप चीज़ कर देना, उन्हें मैंने कहा यार भी सैड चीज़ है भी करनी चाहिए है, मैं कह रही चीज़ मैं दिल नू लगी भी आप कर लिए। अच्छा, दिल को छू गया इसलिए वो पहला गाना। हाँ जी, फिर वो सैड ना शुरू हो गए, अज भी जे कहीं लाइव लाउन जाने है ना, ये पिंडों के जाने असं, तो वो डिमांड मैं आँदी ही आँदी। अच्छा। हाँ जी, कई कई बार तो विआह च भी आ जाती है, मैं कई बार कर दा भी सैड गाना क्यों गाना है ना खुशी माहौल से, पर फिर दो तीन लाइन गा दी दी। अच्छा अच्छा, तो जो पहला गाना है आपने बोला कि जैसे कि आप बिल्कुल भी सिंगिंग बैकग्राउंड से थे ही नहीं जी, तो पहले सॉन्ग को करने के लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, कितना रियाज किया? प्रैक्टिस मैडम मैं क्लासेस जरूर लाइया ने, तो जिमें मोहाली दे मैं क्लासेस लाइया ने, तो उदो मैं सीखिया महीना डेढ़ महीना मैं लाया होगा, उस बाद फिर करता डब। अच्छा, मतलब गुरु नहीं रहे कोई? नहीं नहीं, इदा कोई नहीं रहा। अच्छा, तो जो पहला गाना था उसको लेके डिफिकल्टीज कितनी रही आपकी लाइफ में, क्योंकि बैकग्राउंड भी नहीं था और पहली बार आप आ रहे थे, तो डिफिकल्टीज क्या रही, किस तरह के लोगों से सामना करना पड़ा? डिफिकल्टीज मैडम हरेक गाने नवी नवी चीज़ा है ना निकल के आदि ने, सो डिफिकल्टीज नहीं मेरे हिसाब ना वो असं सीखते हैं ना वो चीज़ों, तो एक सू लैसन हों कि अगली बार तुम वो चीज़ द्वारा ना गलती करो रिपीट है ना। सो पहली बार गाने के थोड़ा मैं फोकस भी सीगा आपदे आप, मैं सारा कुछ दिमाग ध्यान नाल करके है ना सारा कर दस, एक बंदे दी मैं छड़दा सीगा हरेक चीज़ दे विच, म्यूजिक डायरेक्शन भी है या वीडियो डायरेक्शन भी है, तो सारे मतलब नाल बह के करदा सीगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता सी भी है ना पहला कोई पैसे आप लाए सीगे पहले प्रोजेक्ट के ना, तो जो आप दे पैसे लगे होंगे। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? शुरू तो नाल रहे जी हमेशा से, उन्होंने ये नहीं बोला कि नॉन मेडिकल कॉमर्स का मिक्सचर है इतना सब और अब सिंगिंग लाइन में क्यों? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा जो तेरा दिल करता कर। अच्छा। हाँ जी, एक उन्होंने थ्री रीड्स देख ली सी। अच्छा, जी अच्छा अच्छा, पहले गाने की बात चली रही, तो पहला गाना हर एक के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, ठीक है, तो इस पहले गाने की कोई ऐसी याद जो आप शेयर करना चाहते हैं जो हमेशा याद रहेगी आपके साथ रहेगी? याद मन में एक गाने नू जो लिखा सी ना मेरे दोस्त ने चेतन ने, साडे एक फ्रेंड हुंदा सीगा उदी डेथ हो गई सीगी, उसी वीडियो देखियो जिन्हें देखी होनी आ, उहदे विच एक चट्टे नशे करके मुंडे की डैथ हो जाती है ना एंड दे विच, ते उहदे विच चलो मैं मेरी मुच्छा भी है नहीं गया हेयर कट किया हुआ, तो उन्हें उस अपने साढ़ा नाल सीगा साढ़े नाल पढ़िया सीगा स्कूल दे विच है ना, तो मतलब ट्वेल्थ क्लास च सीगा डैथ हो गई सी उहदी, जदों भी वह मैं अज भी कोई वीडियो देखदा वो वाली तो दिमाग सीधा उत्थे उहदी याद तो आउंदी आउंदी है, इन्ने सालों बाद भी उहदी याद आउंदी है, क्योंकि वह नाल रहा सीगा हमेशा, असीं इकट्ठे पढ़ते सीगे ट्यूशन वगैरह जाना कट्ठे जाना, तो वह फिर याद आ जाता। हाँ जी, ये माहौल है वह गाने का, पहली सैड इमोशनल गल हो गई सी। अच्छा, फिर चलो थोड़ा सा सैड से थोड़ा बाहर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूरी है जी, नहीं मैं तुम्हें सच दसिया वो गाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आई नो। तो 2016 में शुरू के अंदर ही आपका गाना आ गया था जट सिरा, उसने सिरा ही करवा दी थी सच में, परमीश वर्मा ने वीडियो भी कर दी थी, उसमें आप दिखे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट। अच्छा, तो ये गाना इतना फेमस भी रहा, तो इसके लिए आप किसको क्रेडिट्स देना चाहेंगे? फेमस तो मैम लोगों ने करना है ना, मेरे चाहने वाले ने उन्होंने फेमस करना है, सो कितने तक गाना लेके जाना है लोगों के हाथ च है, तो बस लोगों ने गाना वधिया करता हिट, तो बस थैंक यू सारे का। अच्छा, 2008 के अंदर भी ये गाना आया रीच दिल दी जी, उसको सबसे ज़्यादा आई थिंक आपके सब वो ऐसा गाना है इसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं आपके? हाँ जी, ऑर्गेनिक व्यूज़। हाँ,
14 मिलियन व्यूज हैं, है ना। तो वो गाना मेरा फेवरेट गाना है, तो आप दो लाइन उसकी सुना दो हमें। जितना तू मेरे साह विच वसिया, दिल दी तमन्ना सी मैं ता लिखिया, खंड नींबू घोल घोल उत्ते चना लाई जावा, और एनु पक्केया करां रे, फुल्ला ना सजा के रीज दिल दी पोगा के चना लिखिया मेरी ना तेरा। क्या बात है, वेरी नाइस, इट्स द बेस्ट सॉन्ग, मतलब जो लड़कियों को बहुत पसंद आता है। हाँ जी, हाँ जी, कुड़ियों ने लड़कियों के लिए लिखा था। और क्या क्या गाने लेकर आ रहे हो लड़कियों के लिए ये बताओ। लड़कियां तो गाने बहुत करीज दिल दिया, फिर मेरा सी नाल तेरे होवां। हां नाल तेरे होवां, हाँ वो भी लड़कियां दा सीगा। ते हुण लेके आ रहे हैं शायद अगला गाना लड़कियां लई करांगे। अच्छा, तो जो नाल तेरे होवां की जो वीडियो थी बड़ी क्यूट थी, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा क्यूट थी, तो इसका आइडिया कहां से आया? डायरेक्टर सर पे ही सब कुछ छोड़ दिया या फिर खुद का भी कुछ? देखो जी, पहला तो डायरेक्टर फ्रेम सिंह उन्होंने की सी, तो उन्होंने डायरैक्ट की वीडियो, कंसैप्ट उन्होंने सगा। हाँ, विच थोड़े बहुत पंचिस वगैरह मैं नाल बह के ना सलाह के हिसाब न जिन्हें दिमाग मिल जाते उन्नी वधिया चीज़ निकलती है, तो वो मैं आपके एफर्ट्स में मजबूर पाए थे, तो बाकी जो मेन काम से उन्होंने ही सी। अच्छा, अगर रियल में भी बात करें तो क्या आप ऐसे ही हैं, इतने ही क्यूट अपनी लाइफ में, या फिर अभी कोई मिली नहीं है इतना क्यूट होने वाली? देखो मैम, ये चीज़ों का हम जड़ी जदों मिलूगी वही दस सकूगी। अच्छा, अभी मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं? हाँ जी, मैं आपदे अपने क्यूट कही जावा तो फिर गल नहीं आती, नाल वाली दस सकता। अच्छा, तो जैसे 2018 में अभी आपका एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, आगे और कितने सॉन्ग्स आने वाले हैं? आगे मैम एक सिंगल ट्रैक है, फिर मेरी फुल एल्बम है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम बात करें एक्टिंग का, तो क्या आपका एक्टिंग का भी शौक है? जी, शौक तो होंगे ही है, हरेक नूं होंगे, गाने च असीं अद्धी एक्टिंग कर लैंदे आ, बस एक डायलॉग डिलीवरी रह जाती है बाद चो, तो है तो वह भी बहुत औखा काम है, क्योंकि एक एक्सप्रैशन देने तो एक एक्सप्रैशन के नाल डायलॉग नूं डिलीवर करना, तो है तो वह भी औखी चीज़ है, पर कोई नहीं, ये भी औखा सी, भी कर लिया वह भी कर लेंगे। अच्छा, तो मतलब मूवीज़ में जाने का इंटरेस्ट तो है, तो अब तक कब तक जा रहे हैं आप ये बताइए? देखो मूवीज़ की गल, चंगी मूवी है ना, मूवीज़ तो बहुत बन भी रही ने, आ भी रही ने, पर मैं चंगी मूवी, चंगा कंसैप्ट हो करांगे। अच्छा, इतने सारे गाने किए, ठीक है, उन सभी गानों के अंदर से एक ऐसी वियर्ड सी किसी फैन ने कोई आपके लिए चीज़ कर दी हो जो आपको लगा हो कि इसने क्या कर दिया? मैं वियर्ड तो नहीं कह सकते, पर मैनू फैंस, हाँ मैनू फैंस का प्यार बड़ा आता है ना, भी उन्होंने वीडियो बाइट्स बना के स्कैच वगैरह, ईवन जड़ियाँ एक फोटोज भी पाने आप इंस्टा ते फेसबुक ते, उन्होंने उन्होंने भी स्कैच आते हैं, जो कितने लाइव शो ते जाने उत्थे वो ड्राइंग स्कैच करके लियांदे आ। सो मैनू बड़ा फील हुंदा ना, भी आप किसी लिए इन्ना टाइम कढ रहे हैं, है ना, एक स्कैच बनाने कि टाइम कि मेहनत है ना, तो आपको एक एक मिनट का ही वो मुल पाना चाहिए बंदे का। सो भी कलाकारी है, जे असी गाना कलाकारी है, तो एक स्कैच करना भी कलाकारी है, पेंटर भी कलाकार हुंदा। अच्छा, तो अगर हम बात करें सिंगिंग की, तो ऐसे सिंगिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, तो आपने काफ़ी टाइम के बाद आके सिंगिंग स्टार्ट की, एकदम से आया कि नहीं अब सिंगिंग करनी है, ये हिडन टैलेंट एक तरह से कह सकते हैं, माना बचपन से आपको पसंद थी करनी, तो अगर देखा जाए तो उपकार में और क्या क्या हिडन टैलेंट्स हैं जो अभी हमारे व्यूअर्स को नहीं पता? हिडन टैलेंट तो मैम बस भंगड़ा पा लें, है ना, वो चलो पिछले गाने आप ट्राई कर लिया। सो बाकी मैम देखो, एक सिंगिंग है ना, सिंगिंग तो ए हों भी जिनी आप निखारी जावे उन्नी निखरी जाऊगी। मैं अज भी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जो गाने आने लग गए तो प्रैक्टिस छड़ती, सो चीज़ तो चाहिए चाहिए। कितनी देर रहती है आपकी प्रैक्टिस? हफ्ते मैडम मेरी 5 to 6 days। हाँ जी, ये जरूरी है, पहला मैं थोड़े बिच मैं छड़ता सीगा, थोड़ा गैप पै गया सीगा, ते पर हुण लगातार जारी है काम जी। अच्छा, तो आप सिंगिंग के साथ साथ क्या इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में भी बिलीव करते हैं, आप कुछ प्ले करते हैं? हारमोनियम कर लेना। तो अगर हम बात करें हर एक का कोई ना कोई एक होता है जिसे आप देख के आइडियल मानते हैं, है ना, तो आपका आइडियल कौन रहा आज तक, या फिर आप अभी भी जिसे मानते हैं कि हाँ इन्हें देख कर मैं आगे बढ़ाऊँ और आगे भी आगे बढ़ता रहूँगा? सारे सारे सीनियर जो आर्टिस्ट ने, सारे बब्बू मान जी हो गए, हरभजन मान जी, इन्होंने मैं बड़ा सुने छोटे होंदे तो ही। हाँ जी, तो जो मैं कहता मैं छोटे होंदे गाँव हों, मतलब इन्हों सुन के ही
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ हर एक की जिंदगी में ना एक मोटो होता है जिससे लेकर हम चलते हैं और उसी मोटो पर अपनी जिंदगी जीते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी का वो क्या मोटो है जिंदगी का हम मेरी मम सिंगिंग ही है हम मैं आए सुबह उठो और सिंगिंग करना है वही मोटो है और वही आपको सवेरे उठते हैं सर रियाज होता जी सवेरे उठते हैं आपको जीने के लिए कहता है कि नहीं जीना है तो सिंगिंग के लिए जीना है जीना बाकी सिंगिंग लिए किसी का माड़ा ना करो बस ये मेन चीज है चाहे जेड़ा मर्जी बंदा हो माड़ा ना करो किसी का तो सर अभी बहुत सारी बातें होगी तो अब थोड़ी गेम्स की तरफ चलते हैं गेम्स खेलते हैं देखते हैं आप में और फन कितना है अभी तक तो आप बहुत ज़्यादा है ना अड़ब से सुबह के लग रहे हो अड़ब नहीं है थोड़ा रिजर्व नेचर है मेरी अड़ब नहीं हैगा मैं तो थोड़ा रिजर्व नेचर है हाँ थोड़े जे गाने मेरे ओहो जे आए है लोगों को भी लगता भी थोड़े अड़ब सुबह है पर नहीं रीझ दिल दी अर्गे मिठे गाने सी बिल्कुल भी है आगे भी लेते आना हाँ जी हाँ जी ओके तो चलिए सर गेम खेलते हैं ठीक है नेवर हैव एवर तो इसमें अगर आपका आंसर हुआ हाँ तो आप कैमरे को आई हैव दिखाना ना हुआ तो नेवर दिखाना ठीक है सर चलो पहला क्वेश्चन कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया हो और वही गिफ्ट आपने किसी और को वापस दे दिया हो मतलब री गिफ्ट कर दिया हो किसी और को नहीं कभी नहीं किसी को देना रहने नहीं से नाल दे खोल दी था देन जोगा रहने ही नहीं अच्छा सेकंड क्वेश्चन कभी ऐसा हुआ कि ब्लाइंड डेट पर गए नहीं लड़कियों से बिल्कुल दूर हो नहीं मैं दूर ही गल नहीं पर किसी का गाने तो उन्होंने कुड़ियों ने सुनने है ना तो हम प्यार दें ठीक है साढ़े काम में प्यार करते हैं ना सारे सो सारे दिलों थैंक्स कुड़ियों का ओके कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी का प्रेजेंट दिया हुआ पसंद नहीं आया लेकिन आपने उसको सामने से बोल दिया कि नहीं मुझे पसंद आया उसका दिल रखने के लिए हाँ देखो प्रेजेंट का जो चीज़ होंगी है अपन को पता अंदर की है ना तो आप कहता भी हाँ ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਟੋਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਘੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਪਸੇ ਟੂਟਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਕੇ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਕੇ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਲੀਵੇਟਰ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਥੇ नहीं पर मैं छोड़ दूँ डरता बड़ा हूँ दासी चढ़ने लगे हाइट से डर लगता है आपको हाँ मुझे भी हाइट से बहुत डर लगता है मैं वो फोबिया हूँ ना हाँ छोड़ दूँ दासी हॉन हॉन ठीक है ओके कभी ऐसा हुआ कि पापा की वॉलेट में से पैसे चुराए ना पूछ के ले लो जिन्ने लेने हैं अच्छा ना चोरी वाला काम नहीं ओके कभी ऐसा हुआ कि अकेले मूवी देखने के लिए गए अकेले हाँ जी बहुत साल हो गए ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਮੇ ਜੀ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਪਕਾਰ ਇਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਗੇਮ ਖੇਲਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਗੇਮ ਹੈ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ठीक है कोशिश करना कि जल्दी जल्दी से आंसर कर दो और ये सारी की सारी आपकी फेवरेट थिंग्स पूछूंगी मैं ठीक है फेवरेट रेस्टोरेंट लुधियाना जी बाबा चिकन मैं उधर जाना मजा आवा अच्छा फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर स्ट्रॉबेरी अच्छा स्टारबक्स की कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी ड्रिंक लगती है कोल्ड कॉफी पीने में अच्छा फेवरेट फूड जो हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट रहा है हमेशा और रहेगा ऐसी कोई डिश साग मक्की की रोटी क्या बात है अच्छा फ्रूट्स पसंद है हाँ जी खाली दे एक जिम वाले फेवरेट फ्रूट कौन सा है हम ज्यादा कीवी खाली खा लेने हैं पर फेवरेट नहीं है वो खट्टी हुंदी कई बारी फेवरेट तो मैंगो हाँ मैंगो अच्छा अब आप फेवरेट सेलिब्रिटी बताना बॉलीवुड में से अलग और बॉलीवुड में से अलग बॉलीवुड में से ऐसा कोई सिंगर जिसके साथ आप कोलैबोरेट करके एक सॉन्ग अच्छा सा बनाना चाहते हैं एक दा नाम सारे वधिया ने अच्छा ऐसा कोई आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम हम जड़ा होता बजाना बाकी छेड़े ही नहीं करते अच्छा आपकी फेवरेट प्लेस जहां पर आप जाना चाहते हो मेरे जाना हरमंदर साहब है मैं उठे शांति मेनू ज्यादा मिलती है हां जी हां अच्छा आपकी फेवरेट कार मारुति बहुत डाउन टू अर्थ आंसर्स हैं सारे के सारे मेनू ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ
मैं छोटे होंदे मरुति च बैठा सी ना, मैनूं आदत सीगी गड्डी खड़ी हुंदी घरे ना, मैं गड्डी च बह के मैं स्टेयरिंग चलाउंदा, मैं अद्धा अद्धा घंटा बैठा रहिंदा सीगा उहदे विच। सो मैनूं उह चीज़ ज़्यादा नेड़े आ बाकी गड्डियां नालों। अच्छा, हांजी। एनिमल्स पसंद है? हांजी। तो पूछ लेती हूँ आपसे कि आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है? साडे कोल लैब्राडोर है। लैब्राडोर, हांजी। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पर आने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए। और जाते जाते अब हम क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स दा साडे तो सियाणे आ, सो असीं उहनां दे बणाए होए आ, ते इदां ही प्यार दिंदे रहो ते अपने माँ प्यो की सेवा करते रहो, क्योंकि छोटे होंदे उन्होंने अपनी उंगली नहीं छड्डी ते वड्डे होके आप उन्होंने उंगली नहीं छड्डनी। सो सारयां नूं बेनती है ते बस इदां ही प्यार करते रहो। थैंक यू। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सभी से विदा, मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे इन स्वैग।